हाय फ्रेंड, हमने नाश्ता कर लिया और हम जा रहे हैं फिर से आरके बीच, क्योंकि मेरा मन अब तक भरा नहीं है। तो मैंने ये सिंपल सा एक ड्रेस शॉर्ट वेयर किया है और हम जा रहे हैं आरके बीच, और मैं आपको मिलेंगे वहीं। बाय बाय। ये रेस्टोरेंट के बाहर ही है जहाँ हम खाते थे, वही जगह है। बट आज हम लिटिल डोसा ने एक बोंडा ट्राई कर रहे हैं। वहाँ एक बोंडा है जो मैदा और दाल का बना हुआ था और सेम चटनी का मिलता है, तो ये हमने ट्राई किया। एक प्लेट में चार था। नाश्ता करने के बाद हम निकल गए आरके बीच, जो कि हमारे होटल से 3 किलोमीटर दूर था। और ये जो बोंडा था जो हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, ये अच्छा था, बहुत टेस्टी नहीं था, समझ तो कुछ आया नहीं, बट अच्छा लग रहा था, तो ये हमने नाश्ता कर लिया। जैसे हम आरके बीच पहुँचे तो हमने देखा कि हमारे जस्ट अपोजिट में एक मत्स्य दर्शनी करके लिखा हुआ है। तो हमने सोचा पहले हम यहाँ जाएंगे, नहीं तो फिर अगर आरके बीच गए तो वहीं टिक जाएंगे। फिर हमने सोचा पहले हम यहाँ जाके फिर हम आरके बीच जाएंगे नहाने के लिए, तो हम वहाँ चले गए। ये है मत्स्य दर्शनी, जो कि एक फ़िश एक्वेरियम है। ये जस्ट आरके बीच के सामने ही है। तो जैसे हम अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ कुछ बेचने के सामान यहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर शेल के थे, सिंपल नॉर्मल सा कुछ एंटी कुछ नहीं था, तो वैसे ही सब लगे हुए थे यहाँ पर, यही सब। ये है इसका मेन गेट, जिसका एंट्री फीस है पर पर्सन 50 रुपये था। तो हम सब ने चारों ने टिकट कटाई और यहाँ से हम अंदर एंट्री लिए। तो ये है मत्स्य दर्शनी। बट फिर आपको यहाँ से पोल करके आप अंदर जाते हैं देखने के लिए। तो सबसे फ्रंट में आपको ऐसे कुछ फिश मिलती है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फिश है। इसके ऊपर इसका नाम हम सब लिखा हुआ है फिश का, बट मैंने ऊपर नहीं देखा था ध्यान से, मैंने अंदर देखा था। तो ये सब फिश थी जो कि नॉर्मल फिश थी, बहुत एंटिक एंटिक फिश मुझे नहीं लगी। ये है ब्लैक टाइगर फिश, जो कि नॉर्मल हमारे एक्वेरियम में होती है। मेरे एक्वेरियम में भी यही फिश है। ये बहुत बड़ी रहती है, काफ़ी टाइम तक ये मतलब बहुत लंबे समय ये जिंदा रहती है। ये बहुत बड़ी भी हो जाती है। ये फिश भी मेरे एक्वेरियम में थी तो मुझे बहुत नॉर्मल लगी। ये एक फिश थी जो थोड़ी अलग थी। और यहाँ पर एक छोटा सा पुल टाइप का बनाया गया था जिसमें रेड फिश थी, क्रोकोडाइल फिश थी, जो कि मेरे एक्वेरियम में भी है, सेम सेम थे। बहुत एंटिक एंटिक मुझे दो तीन फिश लगी, अदरवाइज सब एक्वेरियम में आपको मिल जाता है एकदम। कुछ ये थी पिराना फिश, बट पिराना नहीं थी क्योंकि ऊपर पिराना फिश लिखी हुई थी, बट पिराना नहीं थी। तो ये सब वही फिश थी। ये एक्वेरियम बहुत बड़ा भी नहीं था। और यहाँ थी नीमो फिश जो आपने देखा। हाँ, ये नीमो है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पिराना फिश लिखा हुआ था, बट यहाँ पिराना थी ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे जगह में टैंक के ऊपर जो नाम लिखा था वो फिश वहाँ थी ही नहीं। जैसे ये है कैट फिश, यहाँ कैट फिश नहीं थी, वाइट शार्क थी। और यहाँ पर भी शार्क थी, मगर वो शार्क नहीं थी। तो बहुत सारे एक्वेरियम में ऐसा था कि नाम कुछ था, फिश कुछ और थी, और फिश थी भी नहीं। तो मैं ये कहूँगी कि मुझे ये एक्वेरियम थे बच्चों के लिए ही अच्छा था, मुझे तो यहाँ मज़ा ही नहीं आया। देखिए यहाँ पर वो फिश थोड़े बड़े मुंह वाली थी, जो भी एक्वेरियम में मिल जाती है आपको। यानी ऐसा कोई भी ऐसा आपको ऐसा कोई सी फिश ऐसा टाइप का नहीं था जो आपने कभी देखा ना हो, तो एकदम कॉमन था ये। और यहाँ पर देखिए इसमें ये फिश देखिए, इसमें है सिल्वर पॉम्प्रेट। आपको पॉम्प्रेट दिख रही कहीं से भी? नहीं थी, सिर्फ सिल्वर कलर था। ये थोड़ा सा डिफरेंट था, मुझे लगा जिसका मुंह थोड़ा बहुत बड़ा टाइप का था, डायनासोर जैसा। तो ये मुझे तो ठीक लगा। इसका नाम एरोवाना था। और दिखाती हूँ मैं आपको बहुत, देखिए ये नो मेंटेनेंस, ये टैंक खाली थी। इसके बाजू का जो था वो भी टैंक खाली था। ये एलिगेटर का फिश थी जिसका मुंह थोड़ा सा मगरमच्छ सामान था, बट ठीक है, इट्स ओके। ये था, ये भी नॉर्मल फिश जो रहती हैं। ये थी वाइट शार्क थी। और मैं आपको दिखा दूँ, ये भी एक फिश थी लॉन्ग टाइम, जो थोड़ी अलग टाइप की लग रही थी मुझे, बट ठीक थी। ये थे एलिगेटर फिश थी ये। इसका थोड़ा आगे से जो जो मुंह था ना वो थोड़ा सा मगरमच्छ जैसा था। हाँ, ये देखिए इस टाइप का था, तो ये थोड़ा सा अलग लग रहा था। ये भी वाइट फिश थी और कुछ भी नहीं था। ये थी मून रेस करके, देखिए टॉर्टॉइस थी और कुछ भी नहीं था। इसलिए एक आप रूम में जाएंगे तो टॉर्टॉइस थी, छोटी छोटी फिश थी, ऑरेंज फिश थी, गोल्डन फिश थी, और कुछ भी यहाँ नहीं थी भाई, ये नॉर्मल फिश थी। तो मैं आपको यही कहूँ, सजेस्ट करूँगी आप यही देख लीजिए। बाकी वहाँ जाएंगे ना आप जब विशाखापट्टनम, तो वहाँ 50 रुपये देखिए खर्चा मत कीजिएगा। ये थी बच्चों के लिए ठीक है, अदरवाइज यहाँ कुछ भी नहीं, एकदम बकवास था, मुझे पसंद ही नहीं आया। फिर हम वहाँ से निकल के आरके बीच पहुँच गए और हम यहाँ आ गए। सोचा था नहीं नहाएंगे, बट मेरा तो मन चला गया कि मैं नहाऊँगी। फिर हम यहाँ आ गए। आज के दिन थोड़ा पानी बहुत तेज़ था और वहाँ पर ना बार बार वार्न किया जा रहा था कि ज़्यादा अंदर मत जाइए, क्योंकि आज पानी की लहरें बहुत तेज़ थी। फिर हम यहाँ आ गए। फाइनली अब हम घर आ गए और हमने नहा लिया है। और हम
ने चेंज भी कर लिया। जब भी समुद्र से नहा कर आए तो तुरंत एक बार और नहा लीजिएगा, बाल वाल सब वॉश कर लीजिएगा क्योंकि बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं नमक वाले पानी में। हमने लंच नहीं किया तो अब हम थोड़ी देर बाद जाएंगे डिनर करने, क्योंकि अभी बहुत शाम हुई, रात नहीं हुई है। फाइनली हम डिनर करने आ गए उसी होटल में। तो आज मेरे भाई मेरे हस्बैंड ने मंगाया फ्राइड चिकन बिरयानी विथ एग हैदराबादी, और उसके साथ दो और एक एग करी मंगाया जिसमें ग्रेवी ऑलरेडी, और हमने मंगाया फ्राइड राइस जिसमें दो दो ग्रेवी थी। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो।